हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एप्लीकेशन। आज हम लोग पार्ट 10 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 में इस एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन पर हम विचार करने वाले हैं। आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 1 डेरिवेटिव्स ऑफ। फर्स्ट में होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, जैसे डीवाई dx ऑफ साइन x इक्वल टू कॉस x, इस तरह का फॉर्मूला। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की बात करें तो dy dx ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इस तरह के साइन cos tan cos x cos y वाले सभी फॉर्मूला पर विचार करने वाले हैं। इसके बाद टॉपिक नंबर 3 में एक्सप्लिसिट एंड इंप्लिसिट फंक्शंस के फॉर्मूला पर विचार करने वाले हैं, जिसमें y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x जो होता है वह एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, और फंक्शन ऑफ x कमा y इक्वल टू 0 यह जो होता है वह इंप्लिसिट फंक्शन होता है। इसके डेरिवेटिव्स पर भी आज विचार करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 3 में डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x, y, u, t एक्सेट्रा, इन सभी बातों पर हम विचार करने वाले हैं। जैसे dy dx ऑफ sin x इक्वल टू ये cos x होता है, तो dy dt ऑफ sin x का होगा, तो इक्वल टू sin x का तो cos x होता है इनटू dx by dt और इनटू हो जाएगा। तो इस तरह के जितने भी फंक्शन के डेरिवेटिव्स हैं वो सब आज के डेट में उनके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके बाद टॉपिक नंबर 4 में सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.3 पर हम विचार करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिएगा और सॉल्यूशन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 में जो फॉर्मूला यूटिलाइज होना है, पहले हम उस फॉर्मूले पर विचार करने वाले हैं। चलिए देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर जहां तक बात करें तो वो होता है sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cos x। ये एक कॉमन सिंपल फंक्शन के रूप में हमने दिखा दिया है। तो y का जब फंक्शन ऑफ x होता है तब इसका डेरिवेटिव y डैश होता है, जिसे f डैश x भी कहते हैं, इसे dy by dx भी कहते हैं, ये चीज मान लीजिएगा। चलिए तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव sec x इनटू tan x, cos x का डेरिवेटिव माइनस cos x इनटू cot x। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cos इनवर्स x। इसमें यह एक सिंपल फंक्शन के रूप में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखा दिए हैं। y का डिफरेंशिएशन होता है dy by dx, x का डिफरेंशिएशन होता है, फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है f dash x, y का डिफरेंशिएशन y dash भी होता है, अर्थात इन सब का डेरिवेशन इस तरह से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। अब चलिए इसका डेरिवेटिव पर विचार करते हैं। sin inverse x का डेरिवेटिव होता है 1 upon under root 1 minus x square, cos inverse x का minus 1 upon under root 1 minus x square, ये दोनों के दोनों कॉमन होते हैं, बस एक में पॉजिटिव होता है और दूसरे में निगेटिव। इसी प्रकार से tan inverse x का डेरिवेटिव होता है 1 upon 1 plus x square जो कि पॉजिटिव में होता है, लेकिन cot inverse x का यही वैल्यू रिजल्ट देता है लेकिन निगेटिव में आता है। sec inverse x का डेरिवेटिव sec x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 होता है, और cos इनवर्स x का वही होता है, बस साइन बीच में यहां पर चेंज कर देते हैं। इस प्रकार से यह डेरिवेटिव फॉर्मूला आपको याद रखना है। वीडियो को पॉज कर लें और नोट कर लें। इस एक्सरसाइज में आपको अब पढ़ना है एक्सप्लिसिट एंड इंप्लिसिट फंक्शन। तो इसमें बहुत सिंपल बात आपको बताना चाहते हैं। एक्सप्लिसिट को हम अस्पष्ट फलन के रूप में जानते हैं और इंप्लिसिट फंक्शन को अस्पष्ट फलन के रूप में जानते हैं। ये स्पष्ट होता है
और वो अस्पष्ट होता है। तो ये स्पष्ट फंक्शन क्या होता है वो देखें, इक्वल टू के पहले y हो और इक्वल टू के बाद में x के रूप में कोई इक्वेशन गिवन हो, जैसे y इक्वल टू sin x, cos x, tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, sec इनवर्स x, कुछ भी हो सकता है। y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, y इक्वल टू x क्यूब प्लस 5, ये सभी के सभी आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। अब आप देखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए x और y दोनों अलग परस्पर नहीं किए जा सकते हैं, ये इस तरह से सीधे सीधे आप समझ लीजिए। इसीलिए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, हम ये इस तरह से इसको जानते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। तो ये चीज देखने में अभी लग रहा है कि इम्प्लिसिट फंक्शन है, अगर हम चाहें तो इसी को जैसे 3y इक्वल टू लिखें साइन एक्स प्लस 2x, तो इक्वल टू के पहले y और इक्वल टू के बाद में x के फॉर्म में इक्वेशन हो गया। तो यह इस तरफ से देखो तो लगेगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन है और ये आपको लग रहा है एक्सप्लिसिट फंक्शन है। तो ये कॉमन तरीके से हम जान सकते हैं। जहां तक फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो की बात है तो इसी को देख लो, इसी को फंक्शन ऑफ एक्स कॉमन वाई इंप्लाई दैट, ये चीज माइनस इक्वल टू जीरो करके हम लिख सकते हैं, यही है फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। याद रखें अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो यह भी एक प्रकार से फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो है। तो जितने भी एग्जाम्पल्स आपके दिखाए हुए हैं वो सभी के सभी इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको मान लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए कुछ डेरिवेटिव्स देखते हैं जिसका हमें डेरिवेशन डिफाइन करना है, जैसे y इक्वल टू साइन x, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे सॉल्यूशन को अटेंड करेंगे जरा इसको देख लीजिए। y इक्वल टू यहां पर साइन x हो गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x नीचे आएगा, कैसे लिखेंगे देखो dy dx, तो यहां पर भी dy dx हो गया। तो याद रखें x और x इक्वल हो गया तो साइन x का सिंपल फॉर्म में डिफरेंशिएशन होगा, साइन x x x इक्वल होने पर ये cos x हो गया, तो ये हो गया। अब मान लीजिए कोई एक फंक्शन है y का टू साइन t, हमें t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। y इक्वल टू साइन t विद रिस्पेक्ट टू t है तो t नीचे आएगा, डी बाई डी टी और डी बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या मिला टी, और टी इक्वल होने के कारण साइन टी का डेरिवेटिव होता है कॉस टी। अब इसका ये एग्जाम्पल नंबर वन है, एग्जाम्पल नंबर टू मिल गया, एग्जाम्पल नंबर ये आपका थ्री है, वाई इक्वल टू साइन टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डिफाइन करना है, तो वाई इक्वल टू लिख दीजिए यहाँ पर साइन टी, तो x आ रहा है तो dy dx हो गया, x ये वाला नीचे आ गया, तो यहां पर भी dy dx x नीचे आ गया, इक्वल ना होने के कारण सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या करते हैं dy dx ऑफ sin x इंटू dy dt ऑफ dx के रिस्पेक्ट करना है, तो dy dx ऑफ sin x इंटू ये dx, ये x ऑफ 1, ये क्या होगा dt इक्वल टू क्या होगा इसको जरा ध्यान से देखिए, तो टी और टी इक्वल होने के कारण साइन टी का होगा यहां पर कॉस टी इंटू होगा डी टी बाई डी एक्स, ये चीज समझ लीजिए। अब एक्स इक्वल टू मान लीजिए एग्जांपल नंबर फोर में साइन वाई है, वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, वाई नीचे आएगा तो इसको लिखोगे डी बाई dy of x होगा। अब डायरेक्ट समझ लीजिए y के रिस्पेक्ट है, y आ ही रहा है, जैसे dy dy of sin y, तो y y इक्वल होने के कारण sin y का केवल cos y आ जाएगा,
अब देखिए x इक्वल टू फिर से sin y, यह एग्जांपल नंबर ये 5 मार्क में आपको दिखा रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का जैसे डेरिवेशन कर डिफाइन करना है तो क्या मिलेगा, जैसे x इक्वल टू sin y, तो x के लिए हमने तो dy dx ले लीजिए और dy dx ले लीजिए। अब यहां पर x x इक्वल होने के कारण यहां पर तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है sin y, और x इक्वल ना होने के कारण sin y का cos y होगा इनटू dy by dx। अब इस तरह से आपको डायरेक्ट स्टेप लेना है। अब एग्जांपल नंबर 5 है, ये एग्जांपल नंबर 6 में देखें y का टू log x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या होगा dy by dx इक्वल टू log x, x के रिस्पेक्ट है तो d by dx ऑफ log x ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए इक्वल टू x, x इक्वल हो गया 1 अपॉन x मिल जाएगा। अब x इक्वल टू log y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो फिर से देखिए x इक्वल टू log y आ रहा है, तो अब यहां पर क्या करेंगे y नीचे आना चाहिए तो इस जगह पर d by dy लिखोगे ठीक, और यहां पर भी d by dy लिखना पड़ेगा। y y इक्वल के कारण log y का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, और बेस t है, बेस t है ध्यान रखिएगा। मान लीजिए एग्जांपल नंबर ये कौन सा था, ये 6 के बाद 7 और ये एग्जांपल नंबर 8 मिल गया y इक्वल टू log u। अब फिर से y इक्वल टू क्या मिला log u मिला, हमें x के रिस्पेक्ट करना है तो d by dx लिखोगे, यहां पर भी dy dx लिखोगे। अब ये x x इक्वल है नहीं तो log u का 1 upon u होगा इनटू du by dx होगा। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखिएगा वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आप देखिए क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 एग्जांपल नंबर 24, यह एक इंप्लिसिट फंक्शन है x minus y equal to pi, इसमें dy by dx फाइंड आउट करना है तो इसका डिफरेंशिएशन देख लें x minus y equal to pi, x के रिस्पेक्ट हमें डिफाइन करना है तो क्या करोगे d by dx, और फिर से y के लिए d by dx, और यहां पर भी देखें d by dx of pi। अब यहां पर देखें x का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन होता है dy by dx इक्वल टू क्या मिला पाई, कांस्टेंट है पाई कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इस प्रकार से हमें मिला dy by dx इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से यह सॉल्यूशन अटेन हुआ। एग्जांपल नंबर 24 को ध्यान से देखें। अब आप देखें एग्जांपल नंबर 25 इंप्लिसिट फंक्शन है y plus sin y equal to cos x है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है तो देखिए क्या मिला y plus sin y equal to cos x। अब देखिए x के रिस्पेक्ट होना है तो d by dx कर लेते हैं, यहां पर भी d by dx और ये इस जगह पर भी d by dx लिख लेते हैं। अब ये मिला हमें dy by dx प्लस, देखिए y का dy by dx और आगे बढ़ेगा तो sin y का होगा cos y into dy by dx इक्वल टू x, x इक्वल होने के कारण cos x का माइनस sin x होगा, dy by dx दोनों में कॉमन कर लीजिए dy by dx दोनों में कॉमन हो गया तो यहां पर बच गया 1 और प्लस ये cos y इक्वल टू मिला माइनस sin x, इस प्रकार से हमें मिला dy by dx इक्वल टू माइनस sin x अपॉन ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस cos y, इसमें याद रखिएगा वेल 1 प्लस cos y नॉट इक्वल टू 0,
ये माइंड कीजिएगा, ध्यान देते हुए काम कीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब आप देखें एग्जाम्पल नंबर 26 में फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका डिवाइड बाय dx हमें फाइंड करना है, तो लेट कर ले रहे हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसका सोल्यूशन अटेम्प्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर लाइए तो हमें मिल जाएगा साइन y इक्वल टू x, फिर से लिख लीजिए साइन y इक्वल टू x, और इसमें क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए d बाई डी एक्स लिख दिए x के रिस्पेक्ट के लिए और d बाई डी एक्स लिख दिए x के रिस्पेक्ट के लिए। अब ये x x इक्वल ना होने के कारण साइन y का होगा डेरिवेटिव cos y इंटू इक्वल ना होने के कारण dy वाई बाई डी एक्स अलग से लिख लो, इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। इस प्रकार से हमें मिला dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos y को नीचे लाओ 1 अपॉन cos y 1 अपॉन अंडर रूट में cos स्क्वायर y। फिर से dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हमें मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और जैसा कि आपको पता है साइन y इक्वल टू x लिख सकते हैं, तो इस जगह पर आप लिख लीजिए साइन y इक्वल टू x। तो हमें मिला डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इक्वल टू यही आंसर मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन y इक्वल टू x, तो 1 माइनस x स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब देखिए एग्जांपल नंबर 27 में फंक्शन ऑफ x जिसे हम y कह रहे हैं tan इनवर्स x गिवन है, डिवाइड बाय dx हमें फाइंड करना है, मींस x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से tan इनवर्स को इधर लाइए तो हमें मिलेगा tan y इक्वल टू x। अब एक काम करें, लिख दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा फिर से दोबारा लिखने पर tan y इक्वल टू x, चूंकि x के रिस्पेक्ट है तो d बाई डी एक्स और d बाई डी एक्स इस जगह लिख दीजिए tan y। अब यहां पर y दिख रहा है, यहां x दिख रहा है, तो ऐसे में tan y का sec square y डेरिवेटिव होता है, और इक्वल ना होने के कारण dy by dx और इंटू हो जाएगा इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन होता है 1। आगे बढ़ा लीजिए, हाँ तो dy by dx ये वाला इक्वल टू मिलेगा, नीचे इसको पहुंचा दीजिए sec square y को, तो मिलेगा 1 अपॉन sec square y, sec square theta इक्वल टू होता है 1 plus tan square theta। इसी हिसाब से dy by dx इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन sec square y इक्वल टू 1 plus tan square y, और इसमें tan y इक्वल टू x रखना है, तो पुट करना है यहाँ पर tan y इक्वल टू x। तो इस प्रकार से हमें मिला dy by dx इक्वल टू dy by dx ऑफ y मींस tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इक्वल टू ये वाला वैल्यू क्या मिला 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस tan y x करोगे 1 प्लस x स्क्वायर मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। अब आप देखिए क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 2x plus 3y equal to sin x। तो इसको देखकर के अभी लग रहा है यह एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, लेकिन इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कर लिया, इक्वल टू के एक ओर y का फंक्शन और इक्वल टू के दूसरी ओर कंप्लीट x का फंक्शन रख दें, तो यही तो होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन।
अस्पष्ट फलन। ठीक, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई dx होगा, तो 3 इनटू में लगा हुआ है, तो 3 डिवाइड बाई dx लिख दीजिए इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x माइनस 2, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो इस प्रकार से हमें मिला डिवाइड बाई dx इक्वल टू, इस 3 को नीचे पहुंचा दीजिए तो मिलेगा cos x माइनस 2 अपॉन 3 डिवाइड बाई dx इक्वल टू। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इंप्लिसिट फंक्शन गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू sin y। यह इंप्लिसिट फंक्शन इसलिए है क्योंकि इसे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के रूप में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर y इक्वल टू ले आओगे तो इसको इधर लाने पर sin y माइनस 2x होगा, x और y दोनों इक्वल टू के आगे आने के कारण यह इंप्लिसिट फंक्शन है। अब आगे बढ़िए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2, पहले ऐसे लिख दीजिए, देखिए कितना आसान तरीका बता रहे हैं, इक्वल टू साइन y। देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई dx, फिर से d बाई dx और d बाई dx, ये जो होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब। तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 2 इंटू 1 लिख दीजिए प्लस 3 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू। अब ये देखिए ये y आ रहा है, x आ रहा है, इक्वल नहीं है, तो हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते थे cos y इंटू डिवाइड बाई डी एक्स। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखना चाहते हैं, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके लिखना चाहते हैं, तो लिखोगे d by dy of sin y into dy by dx। अब एक मिनट बढ़ गया, कोई बात नहीं, 2 plus 3 dy by dx इक्वल टू मिला हमें y इक्वल होने के कारण sin y का cos y हो गया इंटू dy by dx। अब इसको उधर पहुंचा लीजिए तो 2 इक्वल टू मिलेगा cos y dy by dx माइनस 3 dy by dx। अब dy by dx को कॉमन कर लीजिए इस तरह से, इनको कॉमन कर लीजिए तो हमें मिलेगा 2 इक्वल टू cos y माइनस 3 dy by dx। तो इस प्रकार से हमें मिलेगा dy by dx इक्वल टू, देखिए इसको नीचे लाओ 2 अपॉन मिल जाएगा 2 अपॉन cos y माइनस 3, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इंप्लिसिट फंक्शन x प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y। इसको बीच में टाइपिंग देकर के थोड़ा लिख देते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, बीच बीच में डी बाई डी एक्स लिख देंगे, देखिए कितना सुविधा हो गई आपकी, डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स, देखिए तो जरा। तो अब ए एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस ये y है x है, डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। तो अब इसके लिए लिखोगे b into d by dx के जगह पर dy कर दो of y square into dy by dx इक्वल टू, ये भी y और x इक्वल नहीं है। तो अब क्या करोगे, d by dy of ये cos y into dy by dx ले दीजिए। अब सिस्टमेटिक ढंग से इसका जब आप नोट कर लीजिए, a आ गया प्लस b, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होता है y के रिस्पेक्ट, और dy by dx तो आ ही गया इक्वल टू भी दिख रहा है y के रिस्पेक्ट, cos y का माइनस sin y होगा dy by
dx मिल गया। अब डिवाइड बाई dx को डिवाइड बाई dx के साथ रखने के लिए इसको उधर पहुंचा दीजिए, तो हमें मिलेगा a इक्वल टू ये माइनस साइन y डिवाइड बाई dx, और इसको भी उधर ले जाओ माइनस 2by dy by dx। अब इसमें dy by dx को कॉमन कर लीजिए, तो a इक्वल टू माइनस के साथ है कॉमन कर लीजिए, तो मिलेगा साइन y प्लस 2by dy by dx। इस प्रकार से आपका आंसर मिल गया dy by dx इक्वल टू माइनस में a अपॉन साइन वाई प्लस टू बी वाई। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई। यह एक इंप्लिसिट फंक्शन है, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर से दोबारा एज इट इज इसको नोट करने के बाद क्या करेंगे, इसमें और इसमें डी वाई डी एक्स लिख देते हैं सब में, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें यहां पर फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्टेज चलेगा, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला आपको पहले से पता है, u इंटू वी का होल डैश डैश का मतलब डिफरेंशिएशन होता है इक्वल टू यू डैश वी प्लस यू इंटू वी डैश। तो इसी हिसाब से इसको भी लिख लीजिए, फर्स्ट मतलब x इंटू एक्स का डैश कर दीजिए, x का डैश इंटू वाई प्लस x इंटू वाई डैश प्लस, ये इक्वल ना होने के कारण डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई कर दीजिए, डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल है तो टेन एक्स का सेट स्क्वायर एक्स होता है डिफरेंशिएशन, और प्लस डी वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स तो होता ही है, बस जो है वो यहां पर है एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है वन इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई dx जो हमें फाइंड करना है प्लस y y इक्वल हो गया y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होता है y के रिस्पेक्ट इनटू dy / dx मिल गया इक्वल टू sec स्क्वायर x, और ये वाला dy / dx हो गया। अब dy / dx को एलिमिनेट करने के लिए ये चीज पहले तय कर लीजिए कि dy / dx है कहां, एक तो ये है, दूसरा ये दिखाई दे रहा है, और तीसरा ये चीज दिखाई दे रहा है। तो एक काम करें, इसको ले आइए इधर और इसको पहुंचा दीजिए इधर, और डिवाइड बाई डीएक्स को कॉमन कर लीजिए। तो यहां पर मिला एक्स है, यहां पर मिला टू वाई, और इसको इधर सॉरी इसको इधर लाओगे तो माइनस वन करके डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू मिलेगा ये वाला सेक स्क्वायर एक्स, और वाई को उस पार पहुंचाओ तो माइनस वाई मिला। इस प्रकार से हमें मिला डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन ये एक्स प्लस टू वाई माइनस वन। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, इसको डिफरेंशिएट करना है डिवाइड बाई डीएक्स फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख दिए, एक्स वाई रख दिए, वाई स्क्वायर रख दिए, 100 रख दिए। अब क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने के लिए d बाई डी एक्स लिख दीजिए, फिर से d बाई डी एक्स रख दीजिए, और यहां पर भी d बाई
dx ऑफ y स्क्वायर लिख दिए और फिर आगे dy dx ऑफ कांस्टेंट। अब आगे देखिए इक्वल x x होने के कारण x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मिल गया 2x प्लस। अब फर्स्ट इंटू सेकंड के साथ चलिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू y प्लस x इंटू दूसरा y का डिफरेंशिएशन प्लस। x और y अलग अलग होने के कारण dy ऑफ y स्क्वायर इंटू dy बाई dx लिख दिए और कॉन्स्टेंट का जीरो होता ही है। आगे देखिए यहां पर मिला 2x प्लस x का डिफरेंशिएशन उधर दिखा चुके हैं 1 इंटू y होता है प्लस ये वाला और x इंटू y डैश को क्या कहते हैं dy बाई dx प्लस y इक्वल होने के कारण y स्क्वायर फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन 2y मिलेगा इंटू ये वाला dy बाई dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जीरो हो गया ये। अब हम क्या करेंगे dy बाई dx को कॉमन कर लेंगे और इन दोनों को इक्वल टू के उस पार पहुंचा दिए तो मिलेगा x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू माइनस करके ये 2x प्लस y। इस प्रकार से हमें मिला dy बाई dx इक्वल टू माइनस में 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y। ये आपका आंसर है, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन है आपका x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर प्लस y क्यूब इक्वल टू 81। तो हमें x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है तो यही फंक्शन जैसा है वैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करने के लिए सब में इंटू कर दे रहे डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स और इस जगह पर भी डी बाई डी एक्स और यहां पर भी डी बाई डी एक्स। अब x इक्वल होने के कारण x क्यूब का 3x स्क्वायर होगा वहां पर भी उधर देख लीजिए प्लस x। अब ये फर्स्ट इंटू सेकेंड के हिसाब से चला लीजिए u इंटू वी का डैश इक्वल टू u डैश वी प्लस u इंटू वी डैश, उसी हिसाब से ये x स्क्वायर का डैश इंटू y प्लस x इंटू x स्क्वायर इंटू y का डैश प्लस इसका अलग से लिख लीजिए ये x इंटू y स्क्वायर का डैश प्लस ये पहले डैश कर लीजिए और दूसरे वाले में x इंटू y स्क्वायर का डैश कर लीजिए प्लस y क्यूब का क्या करोगे d बाई डी वाई ऑफ y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स करके और इक्वल टू 81 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इसको भी चलिए ब्रैकेट में लगा लेते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए 3x स्क्वायर मिला हमें यहाँ पर प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं इंटू ये y मिल गया प्लस ये x स्क्वायर y डैश का मतलब होता है d बाई डी एक्स ऑफ y जो कि dy बाई डी एक्स ही लिख दे रहे हैं हम इसको, इसका मतलब यही होता ही है प्लस x डैश मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट 1 होता है y स्क्वायर प्लस ये वाला x इंटू y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स प्लस y क्यूब का होता है यहां पर 3y स्क्वायर
dy by dx है और इक्वल टू जीरो, और यहां पर भी हम मिटा करके लिख दे रहे हैं इस जगह पर इक्वल टू जीरो। देखिए तो जरा अब हम क्या करेंगे, जहां जहां डीवाई बाई डी एक्स है उसको एलिमिनेट कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा है उसको उस बार पहुंचा दीजिए। तो हमें मिला एक्स स्क्वायर ये वाला प्लस टू एक्स वाई ये वाला और प्लस थ्री वाई स्क्वायर, और टोटल में कॉमन हो गया डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के साथ उधर पहुंचा दीजिए ये तीनों को, तो मिलेगा टू एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस और ये वाला वाई स्क्वायर और डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमें मिल गया माइनस के द्वारा अटेंड करते हुए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, इसको नीचे ले जाइए तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर, यही आपका रिजल्ट है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब इसके आगे देखिए एज इट इज, इसको नोट कर लिए हैं, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है तो डी वाई डी एक्स लिख दिए, यहाँ पर लिखने के बाद डी वाई डी एक्स लिख दिए और पाई लिखने के बाद इसको भी डी वाई डी एक्स लिख दिए। पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू होने के कारण इसका आंसर जीरो आएगा। हाँ अब आगे देखिए x और y अलग अलग है, ऐसे में हम क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, t के पावर 2 समझोगे, t के पावर 2 के क्या क्या होता है 2t, तो 2t मींस 2 sin y, और जो t माने थे उसका भी डिफरेंशिएट इनटू कर लो sin d by dx ऑफ sin y प्लस cos t, cos t का क्या होता है माइनस में साइन डी, तो साइन एक्स वाई और जो टी माने थे इसी तरीके से जैसे इंटू करके लिखे थे यहां पर वैसे यहां पर भी लिख दीजिए, साइन कॉस टी का माइनस साइन टी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडरलाइन जो दिखाई दे रहा है एक्स वाई इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है, इसका आंसर जीरो होगा डिफरेंशिएशन में। आगे बढ़ा दीजिए 2 साइन वाई मिला हमें इंटू साइन वाई और एक्स, ये चीज ध्यान दीजिए, तो साइन वाई का कॉस वाई हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स इंटू वाई इंटू, अब ये फर्स्ट इंटू सेकेंड के हिसाब से चला दीजिए क्या होगा, फर्स्ट का डैश इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डैश ठीक इक्वल टू ये आंसर जीरो भी दे दीजिए। टू साइन वाई कॉस वाई होता है साइन टू वाई, तो यहां पर लिखेंगे साइन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई कैपिटल ब्रैकेट एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है इंटू वाई दिखाई दे रहा है प्लस एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब इसका दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मिलेगा हमें साइन 2y dy by dx माइनस y इंटू साइन x इंटू वाई, फिर से इसका इसमें माइनस ये वाला x इंटू साइन एक्स वाई
इनटू डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब डीवाई बाई डीएक्स दो जगह आ रहा है, एक जगह ये है दूसरी जगह ये है, तो एक काम करें इसको इक्वल टू के उस बार पहुंचा दीजिए, तो हमें मिलेगा साइन टू वाई डिवाइड बाई एक्स कॉमन करते हुए माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा, माइनस को इक्वल टू के उस पार पहुंचाइए तो जीरो तो है ही, माइनस को उस पार पहुंचा पहुंचाकर प्लस कर दीजिए तो प्लस में मिल गया वाई इंटू साइन एक्स वाई। इस प्रकार से हमें मिला डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, एक्स इंटू साइन एक्स वाई, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। याद रखिए एक्स और एक्स इक्वल होता तब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता, या दोनों जगह वाई होता जैसे साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 होता, तब जाकर के ये फार्मूला तो सही बन जाता, जैसा कि जानते हैं वन उसका आगे जो भी होता देखते हैं हम। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर x है और यहाँ पर एंगल y है, चेंज है, तो चेंज में इसका सोल्यूशन कैसे अटेन करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से देखिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो एज इट इज इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, और चूंकि x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है तो d बाई डी एक्स लिख देते हैं, यहाँ पर भी d बाई डी एक्स लिख देते हैं, और इसके लिए भी डी बाई डी एक्स लिख देते हैं। अब आगे देखें यहां पर क्या करेंगे, ये टी टी के पावर टू इमेजिन करें, टी के पावर टू का क्या होगा टू टी, तो टू टी मीन्स टू साइन एक्स हो गया, और जो टी माने थे उसका भी डिफरेंशिएशन कर लो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये बहुत अच्छा टेक्निक होता है, टी के पावर टू टू टी टी इमेजिन कीजिए, लेट कर लेना है यहां पर टी के पावर टू टू टी, जो टी माने थे उसका भी डिफरेंशिएशन इनटू कर देना पड़ता है, प्लस फिर से टी के पावर टू का टू टी टू टी टी मतलब कॉस वाई, जो टी माने थे उसको भी इनटू करके डी बाई डी एक्स कर लीजिए, ऑफ कॉस वाई इक्वल टू वन कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अब आगे देखिए टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट कॉस एक्स होता है, प्लस टू कॉस वाई इंटू कॉस वाई ये एक्स है, तो कॉस टी समझे, कॉस टी का क्या होगा माइनस साइन टी ना, माइनस साइन वाई कर दीजिए, इक्वल ना होने के कारण इंटू करके डी वाई बाई डी एक्स लिख दीजिए इक्वल टू जीरो, निगेटिव तो बाहर निकाल दीजिए, तो यहां पर मिला माइनस सॉरी टू साइन एक्स कॉस एक्स माइनस इसके वजह से टू साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब एक काम करते हैं इसको उधर पहुंचा दीजिए, तो टू साइन एक्स कॉस एक्स ये होता है आपको मिला हमें साइन टू एक्स, और इक्वल टू मिल गया टू साइन वाई कॉस वाई साइन टू वाई, इंटू में मिल गया ये चीज डी वाई बाई डी एक्स,
तो इस प्रकार से हमें मिला ये वाला dy by dx इक्वल टू ये sin 2y को नीचे ले लिए तो dy by dx नहीं रुक जाएगा, sin 2y नीचे तो मिलेगा sin 2x अपॉन sin 2y, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन इज गिवन y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसमें ऐसा कोई सोल्यूशन अटेंड करना होता है जो साइन इनवर्स के साथ साइन थीटा का फॉर्म मिल जाए, यानी कि ये जो होगा साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा इस तरह का फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। तो जैसे अगर यहां पर पुट कर दें x इक्वल टू tan थीटा तो हमें मिलेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो अब मिल गया हमें y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अभी बताए थे ना साइन के इनवर्स के साथ साइन का फॉर्मूला आने के लिए हमें फॉर्मूला ऐसा रखना होता है जिसमें x की वैल्यू सेटिस्फाई करे साइन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया तो हमें मिला 2 थीटा। तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, वी हैव x इक्वल टू tan थीटा इंप्लाई दैट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो रख दीजिए y इक्वल टू 2 थीटा मींस tan इनवर्स x। हम कह रहे थे ना इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस पुट करने वाली बात आपको थोड़ा याद रखना पड़ता है। ये क्लास फर्स्ट ईयर के में हम पढ़ा चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर, उसको रिवाइज कर लीजिएगा तो ये चैप्टर आपका आसान हो जाएगा। तो y का डिफरेंशिएट कर लीजिए तो हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव डिवाइड dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम आज ही बताए हैं इस वीडियो में 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो आपको रिजल्ट मिला 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है y का तो tan इनवर्स 3x माइनस x क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो tan इनवर्स में ऐसा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है जो tan के रिस्पेक्ट आंसर दे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल टू अगर tan थीटा रखें तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा। तो ये tan के रिस्पेक्ट आंसर आएगा, यही हमें खोजना होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो ऐसे में हम पहले पुट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा इंप्लाई दैट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ऐसे में ये y इक्वल टू हमें मिला tan इनवर्स x इक्वल टू tan थीटा, पुट कर लीजिए इतना पहले इसको, तो हमें मिला 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है उसी के अनुसार लिख लीजिए y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan गायब हो गया तो 3 थीटा मिल गया, और यहां से थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए तो मिलेगा 3 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी हैव डिवाइड बाय dx इक्वल टू ये 3 है तो 3 लिख दीजिए, आगे इनटू है तो इनटू कर लीजिए
tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर लिख लीजिए, तो अब आंसर मिल गया हमें 3 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। वीडियो पॉज करके नोट कर ले। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 11 में y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। ऐसे में इस फॉर्मूले में यहां पर पुट करना पड़ेगा हमें x इक्वल टू टेन थीटा, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको कंपेरिजन करके देख सकते हैं, तो ऐसे में हमें मिलेगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो इसके लिए पहले सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसके लिए आगे बढ़ते हैं y का तो cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू मिला y का तो cos इनवर्स, ये फॉर्मूला बगल में दिखाई दे रहा है cos 2 थीटा होता है इक्वल टू 2 थीटा, क्योंकि cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया 2 थीटा, और ये थीटा का वैल्यू यहां पर पुट कर लीजिए tan इनवर्स x, तो हमें मिलेगा 2 tan इनवर्स x, बीच में यहां इंटू है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव डिवाइड बाय dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इस प्रकार से हमें मिला 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यह भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके लिए फॉर्मूला आपको दिखा रहे हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस sin थीटा, ये सब ये क्लास फर्स्ट ईयर या हाई स्कूल वगैरह का फॉर्मूला है, फॉर मेमोरी याद रखिएगा इसको। हम ऐसे में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला को शो करने के लिए हम पुट करते हैं x इक्वल टू टेन थीटा, इंप्लाई दैट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, वी हैव y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस x इक्वल टू टेन थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा, जैसा कि आप जानते हैं कि cos समथिंग इक्वल टू साइन 90 माइनस समथिंग, तो हमें मिलेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये cos 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वल टू हमें मिलेगा ये कैंसिल होने के बाद पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां पर टेन इनवर्स एक्स रख दीजिए, तो हमें मिलेगा वाई इक्वल टू 90 मीन्स पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो इस प्रकार से हमें मिला y का डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल टू पाई बाय 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस 2 इनटू टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन
वन प्लस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से आपका आंसर मिल गया माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे में यहाँ पर पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ पर थीटा जो है इसको इधर लाइए तो मिल जाएगा टेन इनवर्स x, इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन का कंडीशन होता है। और फॉर्मूला क्यों ऐसा रखा गया ये जानिए, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला निकल के आ रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये आप पहले से जानते हैं, उसी को यूटिलाइज करेंगे। ध्यान से देखिए, तो हमें मिला y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan theta upon 1 plus tan square theta sin 2 theta होता है, यहां लिख दिया sin 2 theta, cos theta equal to sin 90 minus theta होता है, उसी हिसाब से चलिए तो मिलेगा y equal to ये cos inverse, ये यहां पर sin theta को लिखोगे cos 90 minus theta के फॉर्म में, तो cos 90 मतलब pi by 2 minus 2 थीटा है, तो 2 थीटा लिखोगे cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया, तो हमें मिला pi by 2 minus 2 थीटा, थीटा के वैल्यू tan इनवर्स x रख दीजिए, तो हमें मिला y equal to pi by 2 minus 2 थीटा, थीटा tan इनवर्स x into के द्वारा, अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस प्रकार से हमें मिला डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, माइनस टू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से आपका आंसर मिला माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब इस क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन इज गिवन y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे में हमें फॉर्मूला एहसास दिला रहा है यह 2 साइन थीटा इनटू ये वाला cos थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा मिल जाएगा, यह आपका हिंट है। तो ऐसे में हमें हिंट क्या मिला पुट करने के लिए, पुट x इक्वल टू साइन थीटा इंप्लाई दैट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो अब हमें मिला यहां पर y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 एक्स के जगह पर रख दो साइन थीटा, यहां पर इनटू है तो इनटू कर लो, अंडर रूट है तो अंडर रूट कर लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और स्क्वायर से अंडर रूट गायब, तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, यह आपका हिंट है। तो इस प्रकार से मिला हमें y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, तो अब हमें मिला 2 थीटा इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस केस वी हैव 2 थीटा मींस साइन इनवर्स एक्स, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ये 2 है तो 2 लिख दो, इन 2 है तो इन 2 लिख दो,
साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इस प्रकार से आपका आंसर मिला 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है, y इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, यह आपका हिंट है, इट इज अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए फॉर्मूला है। यहां पर ये जैसा कि आपको पता है sec इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू cos इनवर्स x, इसी तरीके से यह फॉर्मूला है, जरा ध्यान रखेंगे। हाँ, तो हमें मिलेगा यहां पर y इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन समथिंग इक्वल टू cos इनवर्स, ये क्या मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 1, इस फॉर्मूला के द्वारा हिंट है आपका। अब ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस 1 मींस यहां पर हमें पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू cos थीटा, तो हमें मिल गया यहां पर y इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर मींस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू मिला cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा होता है, और cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया 2 थीटा बचेगा, तो हमें मिला y इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू क्या है यहां पर जरा देख लीजिए, इस जगह से निकालिए, थीटा इक्वल टू होगा cos इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू रख दो ये वाला cos इनवर्स x, ये चीज मिला हमें। अब y का डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव डिवाइड बाय dx इक्वल टू, यहां पर जरा देख लीजिए 2 cos इनवर्स x का फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, वो भी निगेटिव है, ये दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आपका आंसर मिला माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ध्यान से वीडियो देख करके नोट करें। नेक्स्ट वीडियो की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।